टैलेंट ऑफ इंडिया की खबर का असर देखने को मिला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के सिरसा से उत्तराखंड रुद्रपुर पैदल जा रहे परिवार की। जब हमने खबर दिखाई तो हरियाणा पुलिस के जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी मजदूरों को रोका और उन्हें खाना व पानी दिया व साथ ही गाड़ी करा रुद्रपुर उत्तराखंड उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की, जिसकी जानकारी हमें हरियाणा पुलिस के जवान सतपाल जी ने दी, जो हरियाणा से उत्तर प्रदेश यमुना पुल जिसे गोरी पुल के नाम से जाना जाता है की चुंगी पर तैनात थे। तो अब आपने इनके लिए क्या समाधान निकाला? हमने समाधान यही निकाला है कि भाई अब पैदल दाड़ी से तो अच्छा अपना किसी उसमें अपना ट्रेन बुक करवाओ या बस से जाओ, ये चली हुई है अभी तो ऑनलाइन, ये कर लगे सर कैसे पहुँच जाए यहाँ तक आगे तक कैसे पहुँच जाए। तो अभी आपने क्या मदद की? मदद की है भाई अपने पानी पियो है भाई, जो हमारे पास हो करवा दिया जी, कल नहीं गाड़ी करवा दो वहाँ तक, तो गाड़ी करवा दो। तो ये प्रशासन की तरफ से तो जो है ये जानकारी है कि भाई कहीं के भी अगर कोई प्रवासी मजदूर अगर पैदल जा रहा है तो उसको उसके बॉर्डर तक छोड़ा जाए या कैसे? आ चुके हैं, बॉर्डर का ही इलाका है, बॉर्डर पे आ चुके हैं, ये यूपी का ही बॉर्डर है। तो उत्तर प्रदेश की बसें नहीं चल रही हैं? नहीं, कुछ नहीं चल रहा अभी तो, सब बंद है, सब कुछ बंद है, सब कुछ खुल गया अभी तो चल रही है। हमारी रोडवेज की बस थी हरियाणा की, बहुत पता है अभी भी बता रहे हैं। लेकिन जैसा भी आप देख रहे हैं प्रवासी मजदूर हैं, ये पैदल जा रहे थे जो सिरसा से वो रुद्रपुर के लिए निकले हैं उत्तराखंड रुद्रपुर के लिए, और यहाँ पर जब यहाँ हरियाणा पुलिस के स्टाफ को यहाँ पता लगा तो उन्होंने उनको पैदल चलते हुए रोका, और इनसे जो उनकी जानकारी ली गई तो उससे पता चला कि इनको रुद्रपुर जाना है और पैदल ही ये घर से निकले हुए थे सिरसा से जहाँ पर ये काम करने के लिए गए थे, और अब वहाँ पर इनका कोई आशाना नहीं बचा था जो टूट गया था आंधी तूफान में, और कोई काम नहीं बचा था, लेकिन बावजूद उसके फिर भी ये लोग अब हिम्मत करके अपने गांव की तरफ जा रहे हैं ताकि जाकर वहाँ पर कुछ काम किया जाए और अपने गाँव में ही मनरेगा की योजनाएँ जो है उनका लाभ उठाया जाए और कम से कम अपने परिवारों के साथ रहकर अपना वक्त और अपना समय बिताया जाए। तो यहाँ पर हरियाणा पुलिस के जवानों ने इनको रोका और उत्तर प्रदेश से इन्हें सस्ते में एक टैक्सी जो है बरामद कराई गई है ताकि जो है इनको मुहैया कराई ताकि ये रुद्रपुर तक पहुँच सके। कहाँ के रहने वाले हो? उत्तराखंड। तो अभी आपको जो हरियाणा पुलिस को आपने बताया मदद जो आपको मिली है कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है, हम तो थक गए थे पैदल चल चल के सर, तो किलोमीटर जाने की हमारी शक्ति खत्म हो गई थी बिल्कुल भी। तो आपको क्या कुछ इन्होंने सहायता क्या की है, कुछ खाने के लिए कुछ दिया इन्होंने? सर पानी पिलाया और खाना भी दिया सर इन्होंने, खाना खाया ही है हमने। तो आज से आपको पहले रास्ते में कहीं मिला या पहली बार आपको इसी तरह? ना पीछे तो कहीं नहीं मिला। कहीं नहीं मिला हमें पहली बार यहाँ पर, जब सरकारी कर्मचारी मिले हम लोगों को तो उन्होंने बुलाया हमको भी, मैं पैदल जा रहे हो कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाना है, तो हमने अपना बताया कि यहाँ से आ रहे हैं यहाँ उत्तराखंड जाना है, तो उन्होंने कहा पैदल चले जाओगे, हमने कहा सर नहीं जा पाएंगे इतनी दूर, तो नहीं जा सकते तो कैसे जाओगे, हमने कहा सर इन्हीं से हमने बोला कि सर आप कोई हमारा ऐसा कोई साधन करवा दीजिए क्योंकि हम पहुँच जाएँ, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है देखते हैं बैठो। अब इन्होंने साधन कराया? इन्होंने साधन करने का इंतजाम किया, बहुत इनका धन्यवाद, बहुत नेक सज्जन आदमी है ये।